हाय दोस्तों, जय जवान जय किसान चैनल में आप लोग को स्वागत है। अभी हाइब्रिड का धान में बारे में बता रहा था। ये देखिए, ये पकेट आया है, ये पकेट आया है, इसको फाड़ा गया है। धूप में कम से कम 3 दिन डालने पड़ा है, सूखा में धूप में डालने पड़ा है। फिर ये देखिए, पानी में डाला गया है। ये देखिए, अभी क्या दिन भर पानी में डालने पड़ता है, रात को पानी पलट देने पड़ता है, ऐसा सूखा रखने पड़ता है। अभी देखिए, आज चौथा दिन है, इसका ग्रोथ कैसा आया है आप लोग को दिखाता हूँ। देख रहे हैं, छोटा छोटा ग्रोथ आ गया है इसका। ये देखिए, छोटा छोटा ग्रोथ आ गया है। ये हाइब्रिड धान है। ये देखिए, छोटा छोटा ग्रोथ आ गया है। अभी इसको फिर क्या करें, ये देखिए आप लोग पूरा। फिर रात को क्या किया जाएगा, 4 दिन हो गया है, ग्रोथ आ गया है। फिर रात को यह क्या करेगा, पानी ही, इसको पानी ही निगल देना पड़ेगा। फिर इसको कोई गोनी में डाल के, चटाई वाला गोनी में डाल के बांध देने पड़ेगा। फिर इसका बीज जो है, जो कोई कोई आया नहीं है, वो पूरा आ जाएगा। आप लोग को दिखाता हूँ इसका प्रोसेस। आगे का प्रोसेस अगला वीडियो में दिखाऊंगा आप लोग को। यह हाइब्रिड वाला धान है। एक फसल कल बताया था, वो हो गया है। अभी ये फसल लगा जाएगा। ये देखिए, अभी 4 दिन हो गया है। रात को पानी निकाल दिया जाता है, सूखा कर दिया जाता है। फिर दिन में धूप में बैठा के पानी डाल दिया जाता है। फिर इसका जमीन रेडी हो रहा है, वो भी प्रोसेस आप लोग को अगला वीडियो में दिखाऊंगा। आप लोग को पैकेट भी दिखा लेता हूँ, कौन सा धान है। कावेरी KP 264 पेडी सीड। प्लीज़ दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर खेती के बारे में आप लोग को जानकारी देते रहूँगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगला प्रोसेस अगला वीडियो में बताऊँगा।